अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाल सेविंग्स आइडियाज़। में आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक शेयर करूँगी। मेरे पास शर्ट है, इसका नेक जो है वो चकोर है। ये मैं पहले कटिंग करके इसको पेस्ट कर चुकी हूँ और इसके नीचे ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये लीव की शेप के रिंग्स काट लिए हैं। चलें स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। नेक की सीधी वाली साइड पे मैंने ये कपड़ा लगा लिया और इसके साथ कॉमन पिन अटैच कर दी ताकि ये कपड़ा जो है ना स्टिच करते हुए हिले नहीं। हमारी नेक की सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब हम इसके अंदर वाला जो कपड़ा है वो कटिंग कर लेंगे। कट लगा देंगे। अब हम इसको अंदर वाली साइड पे कपड़े को टर्न कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करके तो पिन अप काट देते हैं ताकि हम जब अपने रिंग्स बनाएं तो ये कपड़ा इसके अंदर ना आए सिलाई के। किसी भी साइड पे कपड़ा रखेंगे। मैं ये ब्लैक कपड़ा यूज़ कर ली क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी जो है ना वो मगजी चाहिए इसके किनारों पे। जी तो हमारे रिंग्स की सिलाई भी जो है वो लग चुकी है। अब हम इसके सेंटर वाला कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि ये आसानी से हमारा जो कपड़ा है वो बाहर साइड को टर्न हो जाए। इस तरह की हमारी जो है वो बारीक सी मगजी निकल आएगी। इसी तरह हमने अपने जो ये बाकी के रिंग्स है तो वो भी स्टिच कर लेने हैं। जी तो हमारे सारे रिंग्स जो हैं वो स्टिच हो चुके हैं। अब मैं इनके अंदर अपना डिज़ाइन बनाऊंगी। ये एक सेम शर्ट के फैब्रिक का पीस है जो मैं इसके नीचे रख के इसके ऊपर ऐसे मैं एक ये पट्टी जो मैंने तैयार की थी कपड़े की ऊपर एक पल लगा दी है तो वो मैं ऐसे रख के तो इसके नीचे रख के इसको स्टिच कर लूंगी।
ऐसे, तो ये सेंटर में हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा ऐसे। इसी तरह ये बाकी की दो जो है वो भी मैं ऐसे ही कपड़ा रख के अंदर ये वाली स्टेप रख के तो मैं स्टिच कर लूँगी जी। मैंने ये सारी पट्टियाँ जो है यहाँ पे रख के पिन अप कर ली हैं और उनके ऊपर ये कपड़ा भी लगा दिया है। तो सीधा करने से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब मैं इनके यहाँ पे किनारों पे जो है ना वो सिलाई लगा लेती हूँ। अब हम यहाँ कॉर्नर पे भी एक स्टेप जो है स्टिच कर लेंगे। तो हमारा नेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।